हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस। आप इस वीडियो में सीखिएगा सैमसंग का माइक्रोवेव है। इसमें टच नहीं काम कर रहा है, यानी ये कोई भी बटन नहीं काम कर रहा है, तो इसका टच ख़राब हो गया। तो चलिए इसका टच हम लोग चेंज करते हैं। तो इसका कनेक्शन हटा दे रहे हैं हम लोग, और इसका कवर हम लोग खोलेंगे। ये स्क्रू है तो ये खुल गया। अब पीछे से हम लोग हल्का सा खींचेंगे ये कवर को, तो ये खुल जाएगा कवर। तो ये खुल गया कवर। तो अब इसका चलिए हम लोग पीसीबी में स्क्रू है तो स्क्रू को खोल लेते हैं हम लोग। ये स्क्रू खुल गया, एक और नीचे स्क्रू रहता है, उसके बाद ये पीसीबी खुल जाएगा। तो ये स्क्रू को भी हम लोग खोल लेते हैं। ये खुल गया, और यहाँ का कनेक्शन जितना है तो कनेक्शन को हम लोग निकाल लेंगे। ये कनेक्शन निकल गया, और हल्का सा नीचे से पुश करेंगे तो ये ऊपर ये निकल जाएगा। हल्का सा ये निकल गया। अब इसका चलिए हम लोग पीसीबी का जैक है इसको भी खोल लेंगे। टच का जैक है तो ये ऊपर हल्का सा खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। ये देखिए ये खुल गया, और ये पैनल है तो ये पैनल को हम लोग हल्का सा गर्म कर रहे हैं ताकि टच आराम से खुले। ये देखिए ये इसको छुरी की मदद से ये टच निकाले बाहर। ये टच है, इसमें गोंद लगा हुआ है यानी इंसुलेशन है, तो इसको और हीटिंग करेंगे उसके बाद आराम से निकल जाएगा। नहीं तो हीट नहीं करेंगे तो पूरा इंसुलेशन उसी में चिपका हुआ रहेगा, तो बहुत दिक्कत होगा उसके कारण। तो हीटिंग करके इसका इंसुलेशन हम लोग निकाल लेंगे। ये निकल गया आराम से। तो अब चलिए हम लोग नया टच हम लोग लगाते हैं। ये देखिए आराम से फ्रेश हो गया। अब चलिए हम लोग नया टच लगाते हैं। ये देखिए ये ओरिजिनल है सैमसंग का। ये टच है ओरिजिनल, तो चलिए हम लोग इसको लगा लेंगे। ये गिलास था डिस्प्ले का, तो इसको लगा लिए। और ये देखिए ये इसका कवर हम लोग खोल लेंगे, इंसुलेशन है उसके अंदर, तो इसको हम लोग शेप में ले लेंगे। ये देखिए ये कवर है, उसके अंदर इंसुलेशन लगा हुआ है, तो इसको आराम से लगाना होगा ताकि फिर अच्छा से चिपके, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसका हम लोग कवर निकाल रहे हैं, इसका शेप में हम लोग पहले बैठाएंगे। ये देखिए ये हल्का सा पूरा शेप में हम लोग इसका बैठाएंगे। हल्का सा पुश कीजिए यानी हल्का सा दबाइए। इसका हम लोग कवर निकालेंगे, इंसुलेशन है। ये कवर को हम लोग निकाल रहे हैं, इंसुलेशन देखिए आराम से इसको चिपकाएंगे। अंगूठा पूरा दाबना होगा इसको ताकि ये बैठ जाए। ये देखिए ये बैठ गया अच्छा से। हल्का सा सेट कर लीजिए आप लोग, और इसका टच का हम लोग जैक लगा लेंगे। ये टच का जैक है तो ये खप गया। तब चलिए हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। ये इसको बैठा लेते हैं, लॉक में लॉक सिस्टम रहता है तो ये बैठ जाता है इजी। तो ये बैठ गया, तो इसका स्क्रू हम लोग टाइट कर लेंगे। एक ऊपर का स्क्रू लग गया, एक नीचे का भी लगा लेंगे ताकि पीसीबी हिले नहीं और आराम से टच काम करे। अब कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं इसका। जैसे जैसे कनेक्शन हम लोग खोले थे, वाइट रेड ब्लू,
ये कनेक्शन हो गया है। तो अब चलिए ऑन करके हम लोग देखते हैं कि टच काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए ये टच काम कर रहा है, ऑन हो गया, स्टार्ट हो गया है। ये बिल्कुल टच काम कर रहा है, यानी ये बन गया है। तो वीडियो आपको अच्छे लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।